कैसे भी है ना, कोई तो जिया नहीं है ना, तो मरेंगे तो शांत से मरेंगे ना, मेहनत करके मरेंगे, साधना के रास्ते चल के मरेंगे। मेरा कहना है, अभी निर्णय में ले चुका हूँ। और एक ये है कि मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा परिवार है, तो इसमें कितना समय दे सकता हूँ, ये सब मेरा दिमाग में चल रहा है। मैं तो आया था एक सोच लेके, आप एक सोच में हमें ढाल दिए हैं कि इस सोच में किसी को लूटना नहीं है, खुद साधक बनो, साधक बनाओ, हमें ये जो सिखाई है आप, जितना हमारा बात में। लेकिन अब मैं उसमें थोड़ा सा बात काटूंगी, हमको क्या बोले थे अभी आप, लूटना नहीं है। हाँ, हम तो ऐसे जो गुरु जी बताए थे, हम यहाँ पे मलकानगिर में एक पंचकर्मा का सेंटर करेंगे, कुछ भारत संस्कृति के बारे में लोगों को सिखाएंगे। हमेशा कोई यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो वो विशाखापट्टनम चला जाता है, पैसा वाले तो बहुत हैं, विशाखापट्टनम चले जाते हैं, वहाँ पे काट कूट के 5-10 लेके खर्च कर जाते हैं, आते यहाँ पे मर जाते हैं, शमशान लेके उसको चले जाते हैं। तो लूटना नहीं है तो हमको कौन चलाएगा, हम लोग का जो जीविका है उसको कौन पालन करेगा, अब मेरा क्वेश्चन ये है। ये भी तो सही बात है, मगर यहाँ पे एक ही बात आएगी कि ये जो संस्था चल रहा है पे सेवा, माने सेवा के नाम में जो करा सकते थे, जिनको जरूरत है मैंने कराया, नेचुरोपैथी घर में जाके ट्रीटमेंट दिया, एक जगह से कमाती थी दूसरे जगह देती थी, लेकिन अब हम उसका कोई वैल्यू नहीं रहता उसका, मगर उसको एक मिनट सुन लीजिए, जब अगर उसका वैल्यू नहीं है बोल के भी हम उसको छोड़ नहीं सकते और हम बहुत लेने लगते हैं, हम जो है हम अपने आप को सेवा के राह में हम निकाले हैं वो तो करेंगे ही, मगर उसको कैसे चलना है वो सब चीज के बारे में हमको चिंतन करना है सर। हम पूरा सोशल सर्विस भी नहीं कर सकते, मेरा सोच ये है, हमको अपना जीविका अपना परिवार का सब ले के चलना है, और ये नहीं कि अगर हम कर्म योग में हैं उसको पूरे ही त्याग के एक तरफ चले जाए, वो भी नहीं, सबको सब जगह के लिए सिस्टमेटिकली गुरुजी को गुरुजी का दर्जा, अपने गुरु माँ को गुरु माँ का जगह, शिष्य को शिष्य का, हर चीज का अपना अपना जगह है, उसी को हमको मेंटेन करके चलना है, इसीलिए हमको अच्छा और सच्चा साधक बनना है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम पूरा प्रश्न आपका ये था कि हम बदले में कुछ ना ले तो सेवा को कैसे बढ़ाया, बस मेरा ये, हाँ, ये है। तो हमारा ये जो प्रश्न का उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले दे दिए थे, बोली कि जब वो अपना सेवा देते थे उनको बोलते थे कि तुम भी किसी को सेवा करो, जैसे तो, कि जैसे गुरुजी ने हमें सेवा की है तो मैं और एक भाई को सेवा करूं, वो तो एक ये एक लाइन हो गया या एक चेन हो गया सेवा तो के आप बोल रहे हो गुरुजी का पोषण कैसे होगा, गुरुजी का पोषण कैसा होगा, हम लोग का खुद का पोषण, आज हमको यहाँ रहने के लिए भी खाना है पीना है कौन लाएगा, हाँ लाऊंगा, कैसे चलेगा वो जीविका कैसे, आज ये सेंटर यहाँ से सब कोई चले गए जो पढ़े कोई जगह में कर रहे हैं सारे, बता सकते हैं वो मैं गुरुजी से ही पूछ रही हूँ, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, ये तो गुरुजी हाँ मेरा गुरुजी से